चलें ठीक। आज हमने ना न्यूमेरिकल्स करने हैं चैप्टर नंबर 2 के। आपने जो पीएच स्केल पढ़ा था वहां पर आपने पीएच कैसे निकालनी है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस को क्या नाम दिया था, पीएच का नाम दिया था। तो आज उसी से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं कि अगर हमारे पास किसी भी केमिकल, फॉर एग्जाम्पल वो एसिड है या बेस है, अगर उसमें हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्सन आयन की कंसंट्रेशन दी गई है तो उसकी पीएच कैसे निकालनी। आपने कुछ एग्जाम्पल भी देखी होंगी, वो देख लीजिएगा। अगर नहीं देखी, सबसे पहला न्यूमेरिकल करते हैं हम, कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। अब 0.2 मोलर का मतलब क्या होता है कि उसमें 0.2 जो है वो कंसंट्रेशन दी गई है, किसकी, हाइड्रोजन आयंस की और हाइड्रोक्साइड आयंस की। तो यहां पर कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.2 मोलर, यहां पर वो कह रहा है 0.2 मोलर जो आपके पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसकी आपने क्या फाइंड करनी है, पीएच फाइंड करनी है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि जो एसिड आपको या बेस आपको दिया होगा उसको आपने ब्रेक करना है, मतलब कि आयोनाइज करना है। अब यहां पर देखिएगा, जब H2SO4 आयोनाइज होता है क्या बनता है, H पॉजिटिव बनता है प्लस SO4 नेगेटिव बनता है। लेकिन यहां पर H पॉजिटिव कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। तो कुछ ऐसे एसिड्स भी होंगे जिसमें दो, एक या तीन H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, और कुछ ऐसी बेसिस होंगे जिसमें एक, दो या तीन हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन दी गई है या हाइड्रोजन आयन दी गई है वो सिंगल के लिए, तो आपने क्या करना है, जितने हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयन इक्वेशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे उस 0.2 को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर देखिएगा, देयरफॉर 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोलर हाइड्रोजन आयन। क्यों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखिएगा, H2SO4 जब ब्रेक डाउन होता है 2H पॉजिटिव बनते हैं प्लस SO4 नेगेटिव बनते हैं। तो यहां पर जो 2H पॉजिटिव का मतलब है 2 × हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.2 मोलर। तो 0.2 मोलर का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 1 इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ उससे फिर मैंने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पर माइनस 1 मोलर जो है वो किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पर माइनस 1 इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अगला काम आपको भी पता है कि क्या करना है, सबसे पहले आपने पीएच के लिए नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस लेना है। यहाँ पर नेगेटिव लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर माइनस 1 लिख दिया आपने ये। उसके बाद आपने लॉग वाला जो चैप्टर नंबर 3 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि लॉग को कैसे सॉल्व करना है, अगर लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग मल्टीप्लाई में आपने क्या करना है, उसको किस तरह सॉल्व करना है। जी देखिएगा जरा आगे, आपके पास पीएच इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, जब दो लॉग की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दरमियान में उनके क्या हो जाता है, ऐड हो जाती हैं, और लॉग को आप क्या कर देते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिएगा, माइनस बाहर आ जाएगा इक्वेशन के, लॉग 4 प्लस लॉग 10 रेज पर माइनस 1, क्लियर हो गया। यहाँ पर आगे देखिएगा आपने क्या करना है, फिर पीएच माइनस लॉग 4 की वैल्यू लेंगे तो वो कितनी आती है, लॉग 4 इज इक्वल टू 0.6 इंटू माइनस, ये 10 रेज पर माइनस 1 है ना, तो ये माइनस 1 जब सामने आ जाएगा, शुरू पे आ जाएगा, तो माइनस और माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और लॉग 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये माइनस 1 और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिएगा, अगला काम आपने क्या करना है कि माइनस जो बाहर था उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, सिंपली माइनस लॉग 4 माइनस लॉग 10 पर माइनस 1 जब मल्टीप्लाई किया आपने माइनस को अंदर, फिर आपने लॉग को कोई वैल्यू लेंगे तो माइनस 0.6 प्लस 1 आ जाएगा। अब माइनस 0.6 प्लस 1, 1 में से आपने माइनस 0.6 माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगी जो कि किसके इक्वल होगी, 0.4 के इक्वल होगी। तो अगर 0.2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड वो मुझे देता है और उसकी पीएच और पीओएच पूछता है, तो पीएच सबसे पहले निकालूंगा, एसिड है ना, तो जब भी एसिड दिया होगा आपने पीएच निकालनी है, और जब भी बेस दी होगी तो आपने पीओएच की तरफ जाना है। तो यहाँ पर जब मैंने एसिड की पीएच निकाली है, अब पीओएच आसानी से निकाल सकता हूँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पीएच इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। तो आपके पास पीएच की वैल्यू गिवन है 0.4 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, और आपके पास पीओएच किसके इक्वल आ जाएगी, 13.6 के इक्वल आ जाएगी। कॉपीज साथ में रखी हुई हैं या नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास अवेलेबल हो ये न्यूमेरिकल्स। तो क्लियर हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1, आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो कहीं किसी पॉइंट पे जी बताइएगा मुझे। कैलकुलेट द पीओएच
ऑफ 0.004 मोलर HNO3। अब आपने क्या करना है, HNO3 जो 0.004 मोलर है उसकी आपने क्या कैलकुलेट करनी है, POH कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आयोनाइजेशन करवानी है। तो HNO3 आयोनाइज होगा किस H पॉजिटिव में प्लस NO3 नेगेटिव में। जब HNO3 H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में आयनाइज होगा, उसमें H पॉजिटिव आयन कितने, एक ही है। तो जितने मोलर हमारे पास HNO3 की कंसंट्रेशन है, उतने मोलर ही क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। तो 0.004 मोलर क्या है, हाइड्रोजन आयन है। आप इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 4×10⁻³ मोलर जो है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है। अब अगला काम आपने क्या करना है, इसकी पीएच सबसे पहले निकालनी है। तो पीएच निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 4×10⁻³। तो 4×10⁻³ में आपने आगे लॉग की वैल्यूज को सॉल्व करना है। पीएच आपके पास किसके इक्वल आएगी, माइनस लॉग 4×10⁻³। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर कौन सा सिंबल आ जाएगा, एडिशन का सिंबल आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई की जगह एडिशन का सिंबल लगा देंगे और माइनस को जब अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग 4 और माइनस लॉग 10⁻³ आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, लॉग 4 की वैल्यू लेनी है जो 0.602 के इक्वल आएगी, प्लस ये पावर शुरू में चली जाएगी और लॉग 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये माइनस 3 और ये वाला माइनस जो है वो मिलकर क्या बना देंगे, प्लस 3 बना देंगे। अब आपने क्या करना है, प्लस 3 में से माइनस 0.602 कर देना, तो आपके पास जो HNO3 की पीएच है वो आ जाएगी, वो किसके इक्वल है, 2.4 के इक्वल है। अब अगला काम आपने क्या करना है, पीओएच निकालनी है। तो पीएच निकालने के लिए वही फॉर्मूला, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। आपके पास पीओएच निकालनी है तो पीएच को उधर जाके माइनस कर दें, तो 14 में से जब पीएच माइनस करेंगे 2.4, तो वो आपके पास जो पीओएच आ जाएगी वो कितनी है, 11.6। क्लियर हो गया यहाँ तक न्यूमेरिकल्स।